तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। आज के इस प्रार्थना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु से जुड़ें, अपने आप को शुद्ध करें। जो भी हमने
पाप किए हैं, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध जो भी कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों के लिए, उन सभी पापों के लिए, उन सभी अपराधों के लिए प्रभु से इसी वक्त क्षमा मांगें और शुद्ध हो जाएं। प्रभु को पुकारें विश्वास के साथ। दयालु प्रभु, करुणामय प्रभु, पुकार सुनने वाला प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमें शुद्ध करेगा। पुकारिए, अपने पापों को समर्पित कीजिए, अपने दुखों को, अपनी अशुद्धता को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु अपना पावन लहू हम सब पर छिड़क दें, ताकि हम सभी शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। हमारे कंठों को प्रभु शुद्ध करें, हमारे कानों को शुद्ध करें, जिन कानों के द्वारा हम प्रभु तेरे वचनों को सुनेंगे, जिन कानों के द्वारा हम तेरे वचनों को ग्रहण करेंगे, उन्हें शुद्ध कर। जिन होठों के द्वारा हम तेरी स्तुति तेरी महिमा करेंगे, उन होठों को शुद्ध कर। हमारे मन हमारे विचारों को शुद्ध कर प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु के महान कार्य याद करता हूँ, मैं प्रभु के महान कार्य याद करता हूँ। प्राचीन काल में, प्राचीन काल में उसके किए हुए चमत्कार, उसके किए हुए चमत्कार। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे अपूर्व कार्यों का मैं मनन करता हूँ, तेरे अपूर्व कार्यों का मैं मनन करता हूँ। तेरे सभी कर्मों पर, तेरे सभी कर्मों पर, तेरे सभी कार्यों पर, तेरे सभी कार्यों पर विचार करता हूँ, विचार करता हूँ। मैं ईश्वर, ईश्वर, तेरा मार्ग पवित्र है, तेरा मार्ग पवित्र है। तू वह ईश्वर है, तू वह ईश्वर है जो चमत्कार दिखाता है, जो चमत्कार दिखाता है। तूने राष्ट्रों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया, तूने राष्ट्रों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया। तूने अपने बाहुबल से, तूने अपने बाहुबल से अपनी प्रजा का, अपनी प्रजा का, याकूब और यूसुफ के पुत्रों का, याकूब और यूसुफ के पुत्रों का उद्धार किया, उद्धार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, प्रभु, तू हमारा भी उद्धार करता है, तू हमारा भी उद्धार करता है। इसलिए हम तेरी स्तुति तेरी महिमा गाते हैं, इसलिए हम तेरी स्तुति तेरी महिमा गाते हैं। तुझे धन्य कहते हैं, तुझे धन्य कहते हैं। हालेलुया, 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 संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 7 से 15 तक। मत्ती अध्याय 10 वचन 7 से 15 तक। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न दो कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहां ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी, यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो
तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें न सुने तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे यह कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कल हमने मनन किया था कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को चुनते हैं और उन्हें अधिकार देते हैं, उन्हें अधिकार देते हैं। वचन में लिखा है कि ईसा अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। तो इस प्रकार प्रभु अधिकार देते हैं और भेज देते हैं कि जाओ सुसमाचार सुनाओ। कहते हैं कि राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और प्रभु कहते हैं रोगियों को चंगा करो, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। ध्यान दीजिएगा प्रभु क्या क्या अधिकार देते हैं अपने शिष्यों को। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। क्या मुफ्त में मिला है? अधिकार, सामर्थ्य प्रभु अपने शिष्यों को देते हैं। जो प्रभु के वचनों पर चलते हैं उनको देते हैं, जो प्रभु के अनुयायी हैं उनको देते हैं। क्या देते हैं? अधिकार। क्या क्या अधिकार? सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार। ध्यान दीजिएगा प्रभु कहते हैं राह चलते या उपदेश दिया करो। प्रभु उपदेश दिया करो कहते हैं, उपदेश देने के लिए कहते हैं। क्या उपदेश दिया करो? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो प्रभु हर एक मसीही को यह आदेश, एक तरह से यह आदेश है प्रभु का, उपदेश दो। मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, उपदेश दिया करो और क्या करो? रोगियों को चंगा करो। मैं तुम्हें अधिकार देता हूं चंगा करने का। और क्या कहते हैं? मुर्दों को जिलाओ। मुर्दों को जिलाने का अधिकार प्रभु देते हैं। आगे क्या कहते हैं? कोढ़ियों को शुद्ध करो। कोढ़ियों को शुद्ध करने का भी अधिकार देते हैं। कोढ़ियों को शुद्ध करने की बात क्यों यहां पर कही गई है? यह इसलिए कही गई है कि उस समय जिसको कोढ़ की बीमारी हो जाती थी वह अशुद्ध माना जाता था। वह चर्म रोग है और वह अशुद्ध माना जाता था और उसे समाज से बाहर किया जाता था। वह समाज से बाहर रहता था, वह गांव नगर के बाहर रहता था, नगर फाटक के बाहर रहता था। वह समाज में प्रवेश नहीं कर सकता था, समाज के साथ उठ बैठ रह नहीं सकता था। इसलिए प्रभु कहते हैं कि उन्हें शुद्ध करो,
वहां शुद्ध माना जाता था, इसलिए शुद्ध करो। कैसे शुद्ध करो? उन्हें चंगा करके। और प्रभु ने कई कोढ़ियों को चंगा किया, कई कोढ़ियों को शुद्ध किया, इसीलिए प्रभु कहते हैं कोढ़ियों को शुद्ध करो। और क्या कहते हैं, क्या अधिकार देते हैं? नरक दूतों को निकालो। बहुत लोग ये कहते हैं कि शैतान होता है, भूत होता है। जी हाँ, नरक दूत उसको बोलते हैं, शैतान बोलते हैं, और होता है। और प्रभु ने कितने नरक दूतों से ग्रसित व्यक्तियों को छुटकारा दिया था, आज भी देते हैं, उनके नाम पर आज भी छुटकारा मिलता है। तो प्रभु कहते हैं नरक दूतों को निकालो, ये अधिकार देते हैं प्रभु किसको? अपने शिष्यों को, उनको जो प्रभु के अनुयायी हैं। और प्रभु कहते हैं कि तुम्हें मुफ्त में मिला है और मुफ्त में दे दो। समझ में आया? ये सब अधिकार तुम्हें मुफ्त में दिया गया है। ये ना समझो कि तुम्हारी कोई क्वालिटी है, तुमने उसके लिए कोई बहुत भारी तपस्या किया था या बहुत ऐसा बहुत भला कार्य किया था जिसकी वजह से तुमको दिया गया है। नहीं, तुमको मुफ्त में दिया गया है और तुम्हें क्या करना है? मुफ्त में ही देना है, उसकी कोई कीमत नहीं वसूलना। ये मत समझो कि तुमने कोई एहसान किया। नो, नहीं, एहसान नहीं है, मुफ्त में देना है। यह अधिकार मुफ्त में दिया जाता है, प्रभु देता है हर मसीह की शिक्षा पर चलने वाले व्यक्ति को। और प्रभु कहते हैं कि तुम्हें सुसमाचार का प्रचार करना है। क्या सुसमाचार है? क्या है? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आगे प्रभु कहते हैं अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। उस समय रखने के लिए यही सबसे सुरक्षित जगह था, फेंटे में सोना चांदी या कुछ भी आदमी रख सकता था, जो भी कीमती चीज थी वही सुरक्षित जगह थी। और प्रभु यही कहते हैं कि अपने फेंटे में सोना चांदी रुपया पैसा कुछ मत रखो। आगे कहते हैं रास्ते के लिए न झोली न दो कुर्ते न जूते न लाठी ले जाओ। समझ में आया? न झोली, झोली भी नहीं लेने के लिए कह रहे हैं प्रभु, और न दो कुर्ते, एक कुर्ता काफी है, और न जूते, जूता भी नहीं, और न लाठी ले जाओ। लाठी क्यों? लाठी क्यों ले जाने के लिए प्रभु मना करते हैं? लाठी हम क्यों रखते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं उसकी आवश्यकता तुम्हें नहीं पड़ेगी, मत ले जाओ। सोना चांदी रुपया पैसा इस सब की आवश्यकता तुम्हें नहीं पड़ेगी, उसको मत रखो, मत ले जाओ, परेशान हो जाओगे। कहते हैं प्रभु, कहते हैं आगे, कहते हैं क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। प्रभु कहते हैं मजदूर को भोजन का अधिकार है। तुमको अधिकार है ये सब, इन सब की जो भी तुम्हें आवश्यकता होगी तुम्हें प्रदान किया जाएगा, तुम्हारे लिए प्रबंध किया जाएगा। इसलिए ये सब मत लेके जाओ, ये सब मत रखो अपने पास। और प्रभु कहते हैं किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो, और नगर से विदा होने तक
उसी के यहां ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय यदि उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो, उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी, यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास वापस लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे तो तुम्हारी और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे यह कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। तो प्रभु कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई स्वागत नहीं करता है या तुम्हारी बात कोई नहीं मानता है न सुने तो तुम उसकी चिंता मत करना। तुम्हें करना क्या है, उस नगर के फाटक पर या उस घर के फाटक पर अपने पैर की धूल झाड़ दो। मैं उसको दंडित करूंगा, मैंने सोदोम और गोमोरा को जिस प्रकार दंडित किया था, जो हालत थी उससे कहीं ज्यादा बुरी स्थिति उस नगर की होगी, उस घर की होगी। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें कि प्रभु हमें आशीष दे कि हम प्रभु के इन आदेशों का पालन करें। प्रभु जो हमसे चाहते हैं हम वैसा करें, उसी तरह से जिए, यह प्रभु का आदेश है, यह अधिकार है। हालेलुया 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 जीवन दे सकता है, पुनरुत्थान और जीवन तू है, तू ही जीवन दे सकता है, क्योंकि तू ही जीवन सोता, तू ही अल्फा और ओमेगा, यीशु यीशु यीशु।